चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल वायर्स आर कैरिंग द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, यू आर प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस विल द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर्स। सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, ये एक वायर हो गया, ये पैरेलल वायर्स हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी करंट का सेम है। तो बताना है कि अगर यहाँ पर कहीं पे अगर नीडल सस्पेंड की जाए, नीडल एक मैग्नेटिक नीडल, एक छोटा सा मैग्नेट ही कंसिडर किया जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, नीडल है सस्पेंडेड, ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। देखो अगर डिस्टेंस डी है दोनों की, दोनों वायर्स की, तो जिस प्लेन में ये वायर रखे गए हैं, जैसे इस फिगर को मैं अगर ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ये करंट है, ठीक है, और ये प्लेन है जिसमें ये वायर रखा हुआ है, तो इस प्लेन का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब ये डिस्टेंस है डी, इसका मिड पॉइंट है डी बाई टू पे, ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू, तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि राइट पहला वायर ये एज्यूम कर लो, दूसरा वायर ये एज्यूम कर लो, पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, और दूसरे वायर की वजह से करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ये मान लो बी वन है, ये मान लो बी टू है, तो बी वन की वैल्यू भी क्या होगी, बी वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी बाई टू, ये होगा, और बी टू की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई टू में से टू टू कट गया, सेम वैल्यू आ गई, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, म्यू नॉट आई इंटू पाई डी, ठीक है, करेक्ट है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और हर जगह जीरो होगी, करंट की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे दोनों तरफ, या ध्यान रखना यहाँ पर इंडिपेंडेंट जब बोल रहा है तो दोनों तरफ की करंट को आपको सेम क्वांटिटी में बढ़ाना है या डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना, एक को बढ़ाएंगे दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये लाइन इस प्लेन में, जिस प्लेन में ये दोनों वायर्स हैं, अगर दोनों की करंट डिफरेंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेम नहीं होगी, ठीक है, अपोजिट होगी डायरेक्शन लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। ये तभी सेम होगा जब दोनों की करंट इक्वल हो, चाहे ये 2 एम्पियर है, ये मान लो 2 एम्पियर है, तो अगर ये बढ़ाई जा रही है 2 से 3 की जा रही है, तो ये भी 2 से 3 होनी चाहिए, यानी सेम करंट होनी चाहिए दोनों ही वायर्स में। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, पहला ऑप्शन, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं होगा, प्लेन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ है, एट डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम एनी ऑफ द वायर, नहीं एनी ऑफ द वायर नहीं, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट जो होगा, तो ए ऑप्शन ज्यादा, एट पॉइंट्स हाफ वे बिटवीन द वायर्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला होगा दोनों वायर के हाफ डिस्टेंस पे, क्योंकि हाफ तो इधर भी होगा ना, डी बाई टू इधर भी हो सकता है कोई पॉइंट, किसी भी एक वायर से डी बाई टू इधर भी तो होगा, इधर भी होगा, दोनों का डी बाई टू इधर भी, इस वायर पहले वायर की वजह से डी बाई टू इधर भी पॉइंट एक होगा, तो यहाँ पर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं ना होगी, दोनों होगी तो कहाँ होगी, दोनों के मिड पॉइंट पे, और उसी वायर, उन दोनों वायर के प्लेन में ही ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और दोनों की करंट से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, करंट से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है दोनों की करंट बढ़ाई जाएगी या डिक्रीज की जाएगी तो सेम क्वांटिटी में, यानी दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि जो है एक ही करंट की बढ़ाओ दूसरे की मत बढ़ाओ, तब तब तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।